राउंड भी बहुत होती है. एक बार सोनिया गांधी ने अपने इलेक्शन रिटर्न में भी लिख दिया कि मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली है इंग्लिश में. मैं वहां गया था लेक्चर देने के लिए, तो मैंने पूछा कैसे स्टूडेंट थी. उन्होंने कहा सोनिया गांधी वो तो कभी नहीं स्टूडेंट थी यहाँ. तो मैंने कहा लिखकर दे दोगे. उन्होंने लिखकर दे दिया. मैं आया हूँ यहाँ. स्पीकर महोदय थे हमारे मनोहर जोशी, उस समय एनडीए की सरकार थी. मैंने उनको कहा कि इन्होंने तो इलेक्शन रिटर्न में लिखा है, शपथ लिया है, एफिडेविट में है कि उन्होंने इंग्लिश इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है और पार्लियामेंट के हुज हु में भी लिखी है. ये तो झूठ है क्योंकि मेरे पास ये चिट्ठी है यूनिवर्सिटी से. अब उनसे कृपया पूछिए कि ये कैसा हुआ है. तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी सोनिया गांधी. सोनिया गांधी के जवाब आया कि जो पार्लियामेंट के जो हुज हु में लिखा है और जो मेरे शपथ पत्र में था उम्मीदवार बनते समय, वो टाइपिंग मिस्टेक था. तो स्पीकर ने कहा आप क्या करें. मैंने कहा ये कैसा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है. टाइपिंग मिस्टेक माने कोई अक्षर गलत हो जा सकता है, कॉमा फुल स्टॉप में गलती हो सकती है. बोले पूरा सेंटेंस कैसा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है. और मैंने कहा कि एक ही रास्ता है कि आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेज दीजिए, लॉन्गेस्ट टाइपिंग मिस्टेक इन हिस्ट्री. अब बेटा भी ऐसे. तो ये जो हमें सारे देश से सबसे अच्छे लोग जो काबिल हैं, जो मेहनत से आए हैं ऊपर, उनको आगे बढ़ाना चाहिए. लोग